जो सोलर से वोल्टेज आ रही है इसके ऊपर ही हम ये सब कुछ चलाएंगे जी, इतने वोल्टेज के ऊपर। दोस्तों आज की वीडियो में हम एक लाइव एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जितने भी आप यहाँ पर ये सोलर पैनल देख रहे हो इन सब के ऊपर हम पंखा, ग्राइंडर, जैक्सा मशीन या एयरल या ट्रेल मशीन, ये हम बगैर बैटरी के और बगैर इन्वर्टर के हम चलाएंगे। और चलाएंगे भी कैसे कि इसके साथ कुछ भी नहीं रहेगा, जो जहाँ से सप्लाई आ रही है सोलर की। तो जैसे कि मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर जैसे ये वाली सप्लाई है जो सोलर से वोल्टेज आ रही है, इसके ऊपर ही हम ये सब कुछ चलाएंगे जी, इतने वोल्टेज के ऊपर। और एक्सपेरिमेंट भी आपको करके देंगे। तो जहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, मैंने यह वाला सोलर पैनल 1, 2, 3, 4 जी 330 वाट वाले सोलर पैनल, उनकी जो सप्लाई है मैंने सीरीज में कर दी है। ये देख सकते हो आप, इसके आगे यहाँ पर और जहाँ पर और जहाँ पर। इसके बाद मैंने इसके साथ 180 वाट वाला एक सोलर और लगाया है। तो जो सबकी जो सप्लाई है नेगेटिव और पॉजिटिव मैं जहाँ पर ले आया हूँ, जो सोलर पैनल से हमें सप्लाई मिल रही है उस पर मैंने जहाँ पर मल्टीमीटर लगा दिया है, और जहाँ पर आप देख रहे हो कि 190 वोल्टेज के आसपास यहाँ पर वोल्टेज आपको देख रहे हैं जी, यानी कि 190 वोल्टेज। तो दोस्तों ये वाला जो सामान है हमारे घर के लिए, इसके ऊपर लिखा जाता है कि जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप कि 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चाहिए, 610 वाट की ये एक जैक्सा मशीन है। इसी तरह से ही अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन भी यहाँ पर देख सकते हो आप कि 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज, 750 वाट, और यह भी 220 वोल्ट, 240 वोल्ट, और जो ग्राइंडर है हमारा ये भी देख सकते हो 220 वोल्ट, 240 वोल्ट। इसी तरह से जो हमारा ये वाला फराटा फैन है ये भी 220 वोल्ट के ऊपर ही चलने वाला है। जो हमारे घर में सप्लाई है वो 220 वोल्ट होती है। तो मैंने जितने भी ये सोलर पैनल है उनको सीरीज में जोड़कर जहां पर 190 वोल्ट बना लिए हैं। तो अब हम इसके साथ ये वाला एट्रैक्शन बोर्ड लगा देंगे ताकि हमें जहां से सप्लाई मिल सके। दोस्तों एक बात मैं जहां पर बताना चाहता हूं कि ये वाले जो डीसी वोल्टेज होते हैं ये बहुत ही खतरनाक वोल्टेज होते हैं। कभी भी आप ये काम अपने घर पर मत करें क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। मैं ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के लिए आपको वीडियो बनाकर दे रहा हूँ जी। पर प्लग को वोल्टेज दे दिए हैं, मैं जहाँ पर आपको एक बार इसके वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो कि वही 190 वोल्टेज के आसपास इस प्लग में हमें सप्लाई मिल रही है। अब हम इसको साइड में रख देते हैं। इसके बाद हम सबसे पहले जी चलाएंगे इसके ऊपर यह वाली ड्रिल मशीन, ठीक है जी। अब दोस्तों हम देखते हैं कि ये चलेगी या नहीं चलेगी। और बहुत ही बढ़िया चल रही है जी, ठीक है जी। इसका क्या कारण है वो मैं वीडियो में आगे बताता हूं कि ये क्यों चल रही है। जो ड्रिल मशीन थी ये 230 वाट सबसे कम वाटेज वाली मशीन थी, 230 वाट। मैं इसको साइड में रख देता हूँ। अब हम इससे जो ज़्यादा है वाटेज वो है जी इसके 610 वाट जैक्सा मशीन के। तो एक बार हम जैक्सा भी यहाँ पर चलाकर देखते हैं। जैक्सा भी ओके हो गया। अब हम इसके बाद अब हमारे पास है जी ग्राइंडर मशीन जो कि 800 वाट की है। मैं आपको वाट भी यहां पर दिखाता हूं। इसको हम चलाकर देखते हैं। ये प्लग मैंने लगा दिया है और जहां से मैं ऑन कर देता हूं, ठीक है जी।
ऑन हो चुका है। अब हमारे पास जहाँ पर लोहा भी है, हम लोहे को काट कर एक बार देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि काफ़ी मोटा लोहा इसने बहुत ही आसानी से काट दिया। इसके ऊपर मैंने सेफ्टी कवर इसलिए नहीं लगाया था कि ताकि आपको पता चल जाए, ऐसा ना लगे कि आपको ये मैं फेक वीडियो बना रहा हूं। और जहां पर आपको मैं दिखा दूं कि कोई भी जो तार है मैंने और कहां से कहीं से भी नहीं लगाई, सिर्फ ये वाली जो सोलर की वायर है वहीं यहाँ जा रही है, वहीं यहाँ पर जा रही है, कोई भी वायर हम कहीं से नहीं लेकर आए, ठीक है जी, क्योंकि हम फेक वीडियो नहीं बनाते। इसके बाद हम चलाते हैं जी इसके ऊपर जहां पर आयरन। तो इसका और भी आपको क्लियर करने के लिए मैं जहां पर दिखाता हूं कि मैंने एम्पेयर मीटर लगा दिया है, जो वायर सोलर से आ रही थी, ठीक है जी, उसके रास्ते में। और जहां पर जो ये वाली हमारी आयरन है, मैं जहाँ पर इसका टेम्परेचर भी आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि अभी आप देख रहे हो कि 30 डिग्री इसका टेम्परेचर है। इसके बाद मैं इसका प्लग लगा रहा हूँ, ठीक है जी, और यह ऑन हो चुकी है। जो सोलर से एम्पेयर आ रहे हैं वो 3 एम्पेयर आ रहे हैं सीधा, यानी कि 3 एम्पेयर ये ले रहा है हमारा आयरन। अब जहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले जहाँ टेम्परेचर 30 डिग्री था, ये अभी गर्म हो रही है, देखते ही देखते अभी 40 डिग्री के ऊपर पहुँच चुकी है। क्योंकि दोस्तों हम कोई भी वीडियो फेक नहीं बनाते, तो जो टेम्परेचर है वो आप देख सकते हो कि सीधा बढ़ रहा है, यानी कि जो इसके ऊपर प्रेस है, आयरन है, वो भी काम कर रही है। थोड़ी देर और गर्म होने देते हैं, बाद में हम देखते हैं कि जब ये कट हो जाएगी उसके बाद हम टेम्परेचर इसका देखेंगे। और जो आप जहां पर एम्पेयर देख सकते हो कि 3.5 एम्पेयर है ये, और नॉर्मल ये चल रहा है, कोई भी वायर हीट नहीं हो रही। तो जो पहले 30 डिग्री टेम्परेचर था, अभी आप देख रहे हो कि पहले इसका टेम्परेचर हमने शुरू में 30 डिग्री देखा था, उसके बाद हम देखते हैं कि जी इसका टेम्परेचर अभी 104 डिग्री तक जा चुका है। आप देख सकते हो कि लेजर जहां पर आ रही है, और ये देखें जी, यानी कि आयरन भी सोलर के ऊपर सीधा चलेगी। ये भी हमारा डाउट क्लियर हो गया जी। अब हम इसको भी साइड में रखते हैं जी। अब दोस्तों बारी आती है इस वाले पंखे की, तो क्या यह चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि पहले सब चल चुका है, तो इसको भी हम देखते हैं कि यह चलेगा या नहीं चलेगा। तो ये पंखे की वायर है, मैं इसको लगा रहा हूँ इसमें। और जहाँ पर आप देखें कि चिंगारी निकल रही है लेकिन पंखा नहीं चल रहा, जहाँ से आपको एक आवाज़ सुनाई देगी, तो ये बिल्कुल भी जहाँ से हिल नहीं रहा ये वाला पंखा, ये क्यों है? जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि मैं लास्ट में वीडियो के बताऊंगा कि ये सारा सामान क्यों चल रहा है। ये वाली जो मशीन है, जैसे कि ग्राइंडर मशीन होगी, जैक्सा मशीन हो गई, या हमारे घर में जो मैक्सी ग्राइंडर है वो हो गई, या ड्रिल मशीन हो गई, इन सब के अंदर
जो मोटर का यूज किया जाता है उसको यूनिवर्सल मोटर बोलते हैं जी। यानी कि यह वाली मोटर एसी सप्लाई के अलावा डीसी सप्लाई के ऊपर भी चल सकती है। आपने देखा होगा कि इसके अंदर आर्मेचर और फील्ड वाली मोटर लगी रहती है जिसको कार्बन ब्रश के द्वारा चलाया जाता है। तो जितनी भी यह मोटर रहेंगी जिस भी मशीन में, जिस भी किसी भी मशीन में रहेंगी, वो सारी मशीन यह सोलर के ऊपर सीधी चलेगी। इसके बाद है जी यह वाली प्रेस। तो ये क्यों चली जी, इसके ऊपर भी लिखा है 230 वोल्ट एसी का सिंबल आप देख सकते हो, 50 हर्ट्ज ही। तो फिर ये गर्म क्यों हुई? क्योंकि दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर एक हीटर लगा हुआ है और हीटर को आप चाहे डीसी वोल्टेज दे दो चाहे एसी वोल्टेज दे दो, उसने गर्म होना ही होना है। तो इसलिए कोई भी जो हीटर है वो भी इसके ऊपर चलेगा। अगर आप इंडक्शन कुकर की बात करोगे तो इंडक्शन कुकर भी इसके ऊपर चल सकता है डायरेक्ट सोलर के ऊपर, वो हम एक अलग से वीडियो बनाकर देखेंगे जी। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि यह वाला पंखा क्यों नहीं चला, आखिर क्यों नहीं चला? क्योंकि इसके अंदर जो मोटर लगी हुई है वो एसी मोटर है, इंडक्शन मोटर है, जिसका यानी कि जो स्टेटर है और जो रोटर है वो एसी सप्लाई के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसलिए वो सिर्फ एसी सप्लाई के ऊपर ही चलेगी। जितने भी इस तरह के नॉर्मल पंखे रहते हैं जिसको हम इंडक्शन मोटर बोल देते हैं, वो सोलर के ऊपर सीधा नहीं चलेगी। एक जहां पर मैं आपको और बात बता देनी चाहता हूं कि इसके ऊपर आप सीधा ट्रांसफार्मर भी नहीं चला सकते, क्योंकि ट्रांसफार्मर को भी एसी सप्लाई ही देनी होती है। अगर हम बात करते हैं एसी की, जो आजकल इन्वर्टर एसी है, डीसी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले, वो भी इसी तरह ही सोलर के ऊपर सीधे चल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी जो सर्किट है वो डीसी सप्लाई के लिए ही बनाया गया है। इन्वर्टर एसी के अंदर मोटर लगी हुई है जिसका सर्किट है डिजाइन किया गया, उसको भी डीसी सप्लाई ही दी गई है, इसलिए वो भी इसके ऊपर सीधा सोलर पैनल के ऊपर चल सकता है। लेकिन जो इंडक्शन मोटर है जहाँ यह वाला एसी है, क्योंकि इसके अंदर भी इंडक्शन मोटर लगी हुई है, यह वाला एसी भी इसके ऊपर सीधा नहीं चलेगा। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो इतनी ही थी। अगर आपको कोई और इस तरह की वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर करें, हम उसके ऊपर ही वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे जी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।